Hello friends, I'm Pinky and welcome to my kitchen. In this channel, I'm showing you some easy and step-by-step traditional recipes. Please subscribe to my channel and press the bell icon next to it. Please like, comment and share to your friends. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ दम आलू। ये बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है, इसे आप घर पे कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दम आलू बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, हम उसे पहले देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे दो मीडियम साइज के ऑनियंस को ऐसे चॉप किया है, 6 से 7 गार्लिक के क्लोव्स लिए हैं, अदरक लिए हैं, 1 ग्रीन चिली और 1 मीडियम साइज के टमाटर को मैंने ऐसे काटा है। अब हम एक पैन में 2 से 3 चम्मच तेल को गर्म करके सारे इंग्रेडिएंट्स को उसमें फ्राई करेंगे। हमें इसे प्याज और टमाटर को सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है और टमाटर और प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाते ही हम इसमें आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। ये सारे मसाले अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद हम इसे निकाल के मिक्सर में इसका एक पेस्ट बनाएंगे। अब ये मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है तो इसे हम निकाल के मिक्सर में एक पेस्ट बना लेंगे। अगर आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना सकते हैं। अब हम उसी कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल डालकर आलू को फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे बॉइल्ड आलू लिया है, मैंने पहले से ही उसका छिलका निकाल के उसको काट के रखा है, तो अब हम उसे डीप फ्राई करेंगे। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद ही हमें आलू को तेल में छोड़ना है। अब हम इसको अच्छे से तेल के साथ मिक्स कर देंगे। आलू को फ्राई करते वक्त हम उसमें 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी डालकर उसको मिक्स करेंगे। आलू को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब यह आलू अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसे हम निकाल के एक साइड पे रख देंगे। अब हम कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे और उसमें पहले हम आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम पेस्ट किया हुआ मसाला डालेंगे और उसको अच्छे से तेल के साथ मिक्स कर देंगे। मसाले को हमें बीच बीच में चलाते रहना है। मसाले को हमें तब तक चलाते रहना है जब तक इसका ऑयल अलग ना हो जाए। अब ये मसाला अच्छे से भुन गया है क्योंकि इसका ऑयल पूरा अलग दिख रहा है, तो इसमें अब हम आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच नमक डालकर इसको मिक्स करेंगे। मसाला अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद इसमें हम आधा कप पानी ऐड करेंगे। ग्रेवी थोड़ा सा बॉईल होते ही उसमें हम फ्राई किया हुआ आलू डालेंगे। अब हम आलू को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर देंगे ताकि ये पूरा मसाला अच्छे से आलू के साथ घुल मिल जाए और उसके बाद हम उसे कवर करके 3 से 4 मिनट तक धीमे आंच पे पकाएंगे। अब 3 मिनट हो चुका है और इसे निकाल के हम फिर से चला लेंगे। मसाले का पानी पूरा ड्राई होने तक हम इसको चलाते रहना है। मसाले का पानी अच्छे से ड्राई हो जाने के बाद हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और अब हम इसे कवर करके फिर से 3 से 4 मिनट तक धीमे आंच पे पकाएंगे। अब 4 मिनट हो चुके हैं और इसका कवर निकाल के हम देख लेते हैं। दम आलू बहुत ही अच्छा लग रहा है, उसका कलर भी अच्छा आ रहा है, उससे खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला डालकर इसको मिक्स कर देंगे।
अब दम आलू को हम एक सर्विंग बोल पे डाल के इसको धनिया पत्ते के साथ गार्निश करके इसको सर्व करेंगे। इसे आप पराठे, रोटी या फिर राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।